हेलो एवरीवन तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीएम कुसुम को आइए जी देखते हैं और सबसे पहले देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है तो एज़ पर द मिनिस्ट्री मंत्रालय के अनुसार टोटल नंबर ऑफ़ फार्मर्स नंबर ऑफ फार्मर्स जो हैं किसान जिन्होंने बेनिफिट किया है कंट्री में इस पॉलिसी के थ्रू जिस पॉलिसी का नाम है पीएम कुसुम इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान ऑन तीस जून 2024 को वो कितने हैं अराउंड 4.1 पॉइंट लैक्स लगभग चार लाख लोग हैं चार लाख ठीक है जी याद रखेंगे सो so, इस पॉलिसी के ठीक है या इस स्कीम के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कि आपको रिन्यूएबल एनर्जी लाने हैं ठीक है जी इन फार्मर्स इरिगेशन प्रैक्टिसेस सिंचाई में जो प्रैक्टिसेस में लानी है सिंचाई को जो करने के लिए हमको रिसोर्सेज या एनर्जी यूज करनी है वो कौन सी होनी चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी दूसरा हमको रिप्लेस करना है हाई कॉस्ट डीजल जो डीजल आपका महंगा पड़ता है ना हाई कॉस्ट डीजल उसको रिप्लेस करना है हमें लेस एक्सपेंसिव सोलर एनर्जी से ठीक है जी सस्ती सोलर एनर्जी से उसको रिप्लेस करना है रिड्यूस करना है हमें इलेक्ट्रिक एग्रीकल्चरल इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी बर्डन स्टेट्स पे और इम्प्रूव करना है फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ डिस्कॉम्स बहुत सारे लोग होंगे जिनको डिस्कॉम्स का नहीं पता होगा वो हम बाद में डिस्कस करते हैं ठीक है जी उसके बाद हेल्प करना है फार्मर्स को गेन करने में कि फार्मर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस ले सोलर वाटर पंप्स को सब्सिडाइज रेट पे सस्ते रेट्स पे फार्मर्स को एवेन्यूज़ देने हैं अपॉर्चुनिटीज़ देनी है कि उनकी जो खाली लैंड्स है बैरन लैंड्स हैं उनको वो क्या कर सके यूटिलाइज़ कर सके कैसे वहाँ पर वो सोलर पावर प्लांट्स लगा दें एनर्जी जनरेशन के लिए अब यहाँ पर एक टर्म आया था डिसकॉम विच वॉज़ डिसकॉम तो इसका मतलब होता है डिस स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कॉम स्टैंड कंपनी तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज नाउ चलिए जी इसके फीचर्स देख लेते हैं इस स्कीम के तो मिनिस्ट्री कौन सी आती है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कब लॉन्च हुई थी जी ये 2019 में टारगेट क्या है सोलर कैपेसिटी लानी है हमें कितनी चौंतीस हजार आठ सौ मेगावाट की बाय मार्च 2026 टाइप क्या है कैसी स्कीम है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है एलिजिबल e. कौन कौन है कौन कौन इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं एक इंडिविजुअल फार्मर ग्रुप ऑफ फार्मर्स एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पंचायत ले सकती है कोऑपरेटिव ले सकती है वाटर यूजर एसोसिएशन ले सकती हैं अब इसके तीन हैं, जिसमें पहला कॉम्पोनेंट क्या है सेटअप करना है दस हजार मेगावाट का डिस ग्राउंड या स्टिल माउंटेड ग्रिड जो सोलर या फिर अनदर किसी और रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट से क्या होगा कनेक्टेड होगा कौन कनेक्ट करेगा कहाँ को कनेक्ट होगा कनेक्ट कौन करेगा जी फार्मर्स कनेक्ट करेंगे कहाँ को अपनी जमीन को ठीक है और इसके फीचर्स देख लेते हैं फार्मर्स क्या कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स लगा सकते हैं इंस्टॉल कर सकते हैं जिसकी कैपेसिटी कितनी होगी पाँच हज़ार किलो वाट से लेके कर दो मेगावाट तक अपनी अपनी खुद की ज़मीन पे चाहे वो अकेले या फिर ग्रुप्स और कॉपरेटिव के साथ मिलकर उसके बाद आता है सोलर पैनल्स कैन बी इंस्टॉल्ड जहाँ पर हम कल्टिवेशन करेंगे विद क्रॉप्स ग्रोन बिलो ठीक है जी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज क्या करेंगी परचेज करेंगी सोलर पावर को एट फीड इन टेरिफ ठीक है जी फीड इन टैरिफ क्या होता है लेटर ऑन वी वगैरह डिस्कस जिसको सेट किया है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने देन प्रोक्योर करेंगे प्रोक्योरमेंट बेस्ड इंसेंटिव होगा कितना चालीस पैसा पर किलोवाट किलोवाट किलो पर आवर और साढ़े छः लाख पर मेगावाट पर ईयर जो भी लेस होगा ये प्रोवाइड किया जाएगा फॉर फर्स्ट फाइव ईयर्स बाय एमएनआरई एमएनआरई क्या है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी टू डिस्कॉम्स डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज फॉर बाइंग द पावर फ्राम फार्मर्स और डेवलपर्स ठीक है जी प्रोजेक्ट साइट शुड भी विदिन पाँच किलोमीटर ऑफ द नियरेस्ट सब स्टेशन ये याद रखेंगे कॉम्पोनेंट बी क्या है चौदह लाख स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चरल पम्प्स लगाने हैं इंडिविजुअल फार्मर्स को सपोर्ट किया जाएगा कि वो स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चरल पम्प्स लगा लें कितनी कैपेसिटी फिफ्टीन एच पी इन ऑफ ग्रिड एरियाज जहाँ पर ग्रिड सप्लाई इज़ नॉट अवेलेबल ठीक है जी सेंटर एंड स्टेट ये कितना शेयर करेंगे थर्टी परसेंट ऑफ पंप कॉस्ट ईच फार्मर टू प्रोवाइड रिमेनिंग फोर्टी परसेंट बैंक लोन मिल सकता है अप अपटी परसेंट फ्री ऑफ कॉस्ट सॉरी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है आईलैंड सी एफ फिफ्टी परसेंट ठीक है जी स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी कितनी होगी तीस परसेंट रिमेनिंग बीस परसेंट देगा फार्मर खुद देन स्टेट गवर्नमेंट नहीं है देने की हालत में तो सब्सिडी ऑफ थर्टी परसेंट फार्मर कैन स्टिल सेटअप सोलर पंप्स विद ओनली सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस ठीक है जी केंद्र सरकार की मदद से उसके बाद कॉम्पोनेंट सी आ गया सोलराइजेशन होगी पैंतीस ,00 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चरल पंप्स जहाँ पे फीडर लेवल सोलराइजेशन भी आ जाएगी इसमें क्या क्या आता है इंडिविजुअल पंप सोलराइजेशन

सेंटर एंड स्टेट टू शेयर थर्टी परसेंट ऑफ द पम्प कॉस्ट इच फार्मर टू प्रोवाइड रिमेनिंग फोर्टी परसेंट एंड बैंक लोन उसको भी तीस परसेंट तो बैंक लोन जो है ना वो तीस परसेंट ही दोनों केसेज में इंटरेस्ट जो लगेगा फीडर लेवल सोलराइजेशन इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल सोलर पम्प द स्टेट क्या करेंगी सोलराइज कर सकती हैं एग्रीकल्चर फीडर्स को वेयर एग्रीकल्चर फीडर्स आर नॉट सेटेड लोन फॉर फीडर सेपरेशन में बी टेक फ्रॉम द वार्ड और पी एफ सी और आर ई सी फर्दर असिस्टेंस फॉर फीडर से ले सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम से ले सकते हैं जी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पावर से मिनिस्ट्री ऑफ पावर की स्कीम है याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पावर की कुसुम किसकी है जी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी अब रीवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम ये किसकी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर की ठीक है फीडर के लिए असिस्टेंस कहा से ले सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर के स्कीम के अंतर्गत सी एफ एफ थर्टी परसेंट ऑन द कॉस्ट ठीक है जी ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पावर प्लांट अभी इसकी अमाउंट दी गई हैं ठीक है जी ये प्रोवाइड की जाएंगी हाउ एवर इन एनी आर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हिली रीजन एंड आईलैंड फिफ्टी परसेंट ऑफ सब्सिडी इज अवेलेबल सो दिस इज अबाउट पी एम कुसुम आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल